हम महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में ये हो गई है कि पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, या तो पहले आ जाते हैं या फिर लेट आते हैं, या फिर कोई टाइम टेबल नहीं होता है, 2 महीने 3 महीने में इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और ये सब एज ग्रुप में होने लगे हैं, और जिसकी आयु कम है 20-25 साल की भी है उनको भी ये प्रॉब्लम है। तो इरेगुलर पीरियड्स का एक सबसे मुख्य कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, और जो आपकी लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत अफेक्ट करती है। तो आप एक्यूप्रेशर में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, एक ड्रिंक बताऊंगी, वो आप अगर नियमित रूप से करते हैं आपको अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो ये देखिए एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे इंडेक्स फिंगर की जो सेकेंड वाला जॉइंट है, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद 2 मिनट यहाँ पे स्टिमुलेशन देंगे। आपके पास एक्यूप्रेशर की टूल है तो उससे कर लीजिए, नहीं है तो भी आप फिंगर की सहायता से यहाँ पे प्रेस और रिलीज कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ हम सीट थेरेपी करेंगे तो एक डॉक्टर टेप में मेथी का दाना यहाँ लगा लेंगे, ओवरनाइट लगा के रखिए और इसको आप डेली करिए। और सबसे पहला जो मैं आपने स्टार्टिंग में देखा होगा एक्यूप्रेशर की रिंग, तो आपको सभी उंगलियों में आपको दोनों हाथों के एक्यूप्रेशर की रिंग 1 से 1.5 मिनट ज़्यादा नहीं लगाना है, ऊपर से नीचे इसको आपको घुमाना है एक्यूप्रेशर रिंग को। ये आपके जो ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक गया है इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस है अगर वो बैलेंस होने लग जाएगा तो आप ये ज़रूर एक्यूप्रेशर की रिंग, अगर नहीं है तो आप अपने इंडेक्स फिंगर और अंगूठे की मदद से हुक बना के भी ऊपर से नीचे प्रेस कर सकते हैं। और ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारा, ये दोनों ही हाथ के इंडेक्स फिंगर में सेम मिलेगा आपको, तो इसको आपको दोनों हाथों में करना है। दिन में अगर लगा रहे हो तो कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूर लगाएं, हर घंटे में यहाँ पे प्रेस करते रहें तो आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। और अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी हम सही कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो हमारे पास रोलर है इसको आपको लार्ज इंस्टेंटाइन और ये जो छोटी हाथ और बड़ी हाथ का हमारा यहाँ पे पॉइंट है इस वाले एरिया में, ये ऊपर वाले एरिया में जहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट रोलर की सहायता से यहाँ पे आपको प्रेस करना है। अगर आपके पास में रोलर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपके पास में वो जो पापड़ बेलने वाला बेलन होता है उससे यहाँ पे आप ऐसे करके चला सकते हो, तो ये भी हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारा प्रेस हो जाता है। ये हमारे नीचे वाले हिस्से का जो लोअर एब्डोमिनल है वहाँ का ये हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। और इसके लिए हम एक ड्रिंक बनाएंगे। आप यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल दें, और ताज़ी अगर हल्दी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है आपको, अगर नहीं मिलती तो आप हल्दी पाउडर अच्छी कंपनी का ले लीजिए। यहाँ पे हम थोड़ी सी हल्दी और अदरक यहाँ पे ग्रेट करके पानी में डाल देना है। आप गैस की फ्लेम को मीडियम करिए। यहाँ पे हम डाल देंगे 1/4 स्पून अजवाइन और जीरा, जो खड़ा जीरा होता है। ये सभी चीज़ों को हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है जब तक कि ये पानी हमारा आधा ग्लास ना हो जाए। और इसको आप कम से कम जब आपका पीरियड्स आने वाला जैसे लगता है आपको कि 2 महीने 3 महीने में आता है उसके पहले आप स्टार्ट कर दें, या महीने के 3 दिन ज़रूर आप इसको पिए। और इसको हम जब ले लेंगे बॉईल हो जाएगा, कुछ देर इसमें ढक के रखेंगे जिससे कि हमारे को और इसके जो अर्क हैं इसके जो औषधि गुण हैं हमारे पानी में आ जाए। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है, कम से कम आधा गिलास हमारा पानी बच जाए और उसके बाद में आपको पी लेना है। तो ज़्यादा गर्म इसको ना पिएं, और अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद नहीं डालना, अदरवाइज़ आपको अगर टेस्ट वो लगता है बिटर टाइप का, थोड़ा सा तेज होता है क्योंकि हमने अदरक और हल्दी डाली है, आप यहाँ पे आधा चम्मच शहद डाल सकते हो। पानी लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि गर्म पानी में शहद को नहीं डाला जाता है, थोड़ा सा हल्का पीने लायक हो उतना ही गर्म बस आप पिए। और शहद ऑप्शनल है टोटली, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही ये वाले पानी को पिए। तो ये जो हमने 2 से 3 चीज़ें आपको बताई है अगर आप कर लेते हो आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। यहाँ पे मैंने शहद नहीं डाला है, ये मेरा गुड़ का पानी है, तो आप शहद या गुड़ का पानी जो भी आपको लेना है। गुड़ का पानी बनाने का तरीका है कि जो 1 डली गुड़ है उसको मैंने 1 कटोरी पानी में पहले सोक कर लिया था और उसको बस छान लिया था, तो ये हमारा गुड़ का पानी तैयार हो गया है। और ठंडा होने पर हमने यहाँ पे 1/2 से 1 चम्मच मिला लेना है और इसको आपको पी लेना है। पीने में आपको बहुत राहत मिलेगी और बहुत सारे इसके और भी गुण हैं, तो आप इसको ज़रूर लें। हल्दी स्किप ना करें, हल्दी अदरक जो हैं ये गर्म होते हैं जो हमारे मासिक धर्म में वो फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो आप एक बार ये एक्यूप्रेशर थेरेपी ज़रूर यूज़ करें और ड्रिंक को ज़रूर लें।